सुबह से मेरी तीसरी डेथ है इस टाइम, मतलब उठाई मैंने गाड़ी में। मेरा नाम जमील अहमद है, मैं डायरेक्टर हेल्थ का ड्राइवर हूँ, मगर मेरी पोस्टिंग सेमो श्रीनगर में है। मैं बेसिकली एक कोविड पेशेंट उठाता था, अब अल्लाह ताला रहम करे अब ये डेथ होने लगी है। मैं सिक्किम से आ रहा हूँ, 5 मिनट में 3 की डेथ हो गई। अब ये यहाँ पे मुझे छोड़नी थी डेथ है कि यहाँ पे पांद्रेटन में सेकंड फेज में ज़्यादा डर लगता है लोगों को। तो पहले तो लोग बोलते थे ये करेंगे, मगर आजकल छुप करके सब बोलते नहीं हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम मज़ार पे इनको ले जाएंगे, जनाजा पड़ेगा, दफनाएंगे। अल्लाह ताला से मांगता हूँ अब ये वबा नेस्त नाबूद करे वो, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो गए बेचारे, सूरत ही नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, बंद है। और कश्मीर में हमारे ज़्यादा ही मुसीबत है, यहाँ तो पहले से ही हालात की वजह से बेचारे लोग सफ़र कर रहे थे, कोविड की वजह से ज़्यादा परेशान हो गए। मैंने सर जो भी श्रीनगर में पहले JVC के बगैर डेथ होती थी फर्स्ट फेज में, SMHS, सिक्किमस, CD, इन तीनों हॉस्पिटल से मैं खुद उठाता था अकेला। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन मुझे 14 बंदे उठाने पड़े श्रीनगर में। सुबह निकला हूँ मैं घर नमाज पढ़ के, शाम को करीबन 1:30 बजे रात को मैं पहुँच गया उस दिन घर। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। मैंने यहाँ से उठाई लगभग 110 डेड बॉडी, और जो भी पॉजिटिव पेशेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं उनको मैंने श्रीनगर में पहुँचाया। जिस दिन पहली डेथ हो गई वो 70, पहले तो सोपोर की डेथ होगी मौलाना साहब की, उसके बाद यहाँ के जोगी लाकर की लेडी एक गुजर गई, 73 ओल्ड थी वो। फिर मैंने उस दिन सोचा जब मैंने उसको कब्रिस्तान में लिया, हम 3 बंदे थे मोहल्ले के, 2 थे और मैं था। उस दिन मैंने फिर घर 1:30 बजे पहुँच गया मैं करीब रात के, तो मैंने फिर सोचा ये तो अब मैं तो इस मेरा नाम तो लग गया, अब अगर मैं दिल से ये काम करूँगा अल्लाह ताला मेरी फैमिली को मेरे को सेफ रखेगा। पहले मतलब जब लोगों को डर था, वो जो पॉजिटिव मरते थे उनके बेसिकली फैमिली होती थी क्वारंटाइन बंद, उनको बाहर नहीं आने देते थे। उस टाइम मुझे खुद करना पड़ा, मुझे आगे आना पड़ा, वरना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। और उस टाइम काफ़ी बड़ा बक्सा होता था, उस टाइम की कबर बनाना ओहो अल्लाह ताला रहम करे। अब तो शुक्र है उस पाक परवरदिगार का, अब बैग में देते हैं, इसके लिए लाहत बनती है अच्छी तरीके से, कोई परेशानी नहीं। कबर खोदने वाला भी अब आराम से, पहले मुझे इतनी परेशानी होगी फर्स्ट ईयर में, कबर खोदने वाले भी नहीं मिलते थे। फिर उनको हम इस तरह करते थे मिन्नतें कुछ करो यार, वो बोलते थे जमील अहमद जब हम कब्र तैयार करेंगे उसके बाद आधा घंटा आप आना, जब हम वहाँ से निकलेंगे बाहर। फिर हमें खुद डालना पड़ता था बक्सा, किस तरह हमने डाला उसके ऊपर मिट्टी डालना, आराम से फटे लगाना। फिर लोगों में मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ गई हिम्मत, आने लगे आगे। पहले तो खुद ही जाना पड़ता था मुझे, पहले डर लगता था, पसीने छूटते थे पॉजिटिव नाम सुनते पेशेंट का, डेड बॉडी की तो बात ही नहीं है। मगर पता नहीं फिर अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कौन सी हिम्मत डाली, मैं अब डरता नहीं, बिस्मिल्लाह करके हाथ लगाता हूँ ले जाता हूँ। पहले तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए ये PPE किट लगाता हूँ, मास्क लगाता हूँ, ग्लव्स लगाता हूँ, क्योंकि जब मेरे काम होता है पहली बॉडी का तो फिर मैं इसको डिसमेंटल करता हूँ। मेरे सैनिटाइज़र डिपार्टमेंट से मुझे कोई मतलब जो भी मैं चीज़ मांगूंगा डिपार्टमेंट से, किट मांगूंगा, सैनिटाइज़र मांगूंगा, मास्क अवेलेबल है, कोई मेरे लिए कोई इशू नहीं है। हम पहले जब पेशेंट रेफर होता है पॉजिटिव पेशेंट यहाँ, हम पहले PPE किट लगाते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी वॉश करते हैं, सब गाड़ी को भी सैनिटाइजर वॉश करते हैं वहाँ से आगे। फिर उसके बाद हम पेशेंट को उठाते हैं, जब हम घर जाते हैं हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो फिर हम PPE किट निकालते हैं अस्पताल में। जब मैं घर पहुँचता हूँ घर से बाहर ही पार्क में सारे कपड़े निकालता हूँ, सैनिटाइजर करता हूँ। फिर उसके बाद मुझे खौफ होता है, बहुत खौफ कि कहीं मेरे 2 बच्चे पॉजिटिव ना हो जाए, मैं उनको दूर दूर रखता हूँ सर। पिछली वेव थी मतलब उस टाइम लोग मतलब कम, पहले कम आया करते थे, डरते थे, मगर मतलब लोग उस टाइम कभी किसी जगह बोलते थे जमील अहमद हम इसको घर ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर हम नहीं मानते थे। आज लोग बोलते नहीं जी प्रोटोकॉल जो है वही फॉलो करेंगे। हमारे JNK में फिर भी आगे जाते उठाते हैं, चाहे हिंदू मरे चाहे मुस्लिम मरे, शमशान लेते हैं, कब्रिस्तान लेते हैं, मगर लोग 4 होते हैं साथ, रास्ते पे नहीं फेंकने दिया किसी को। शुक्र है उस पाक पर जुगार का, क्योंकि हमारे JNK में ऐसे लोग हैं जो डरते नहीं, नहीं भाई इसको पहुँचाएंगे किसी जगह, हमको भी मरना ही है, हम इसकी कदर करेंगे, ऊपर वाला हमें अपने टाइम में
रहम करेगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए जो भी एम्बुलेंस ड्राइवर चला डिस्ट्रिक्ट में हो या श्रीनगर में या जम्मू में, सब बेचारे दिल से काम करते हैं। बेसिकली इसका एक प्रोटोकॉल बन गया है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट का मरेगा उसको उस डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी मिलेगी। अब अपने अपने सीएमओ ने या मतलब अफसरों ने किस ड्राइवर को, बेसिकली श्रीनगर में मैं ही उठाता हूँ, मगर डिस्ट्रिक्टों का मुझे पता नहीं। कल वहाँ पे बेसिकली शिफ्ट होता है हॉस्पिटलों में, आज एक होगा कल दूसरा होगा। करीबन मुझे लगता है श्रीनगर में 500 से ऊपर 600 लगभग मैं पहुँच गया लगभग, क्योंकि मेरे लॉग बुक जो है मैं उनकी तरफ अब देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने लॉग बुक जो मैंने लिखे हैं, डर लगता है उनको देख के, क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है कितने लोग मर गए। मैं एक एडवाइस देता हूँ लोगों को, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, मगर जो ये बोलता है ना ये कुछ नहीं है, वो उस बंदे के पास जाए जो पॉजिटिव आता है, फिर हॉस्पिटल जाता है, 10 दिन वहाँ बैठता है, 10 दिन के बाद घर आता है। लोगों को बचने के लिए पहले फर्स्ट अपने बच्चों को घर में रखेंगे। नंबर दो, अगर बाहर कभी एमरजेंसी में निकलना भी पड़ा, ये मास्क पहले फर्स्ट लगाए, और घर से ज़्यादा अगर प्रेफर करेंगे कम निकलना। अगर निकल गए, घर के लिए कुछ सामान लाना है, अगर आपको कुछ सामान लाना है आज ही लाओ, कल पे मत छोड़ो। बाहर निकलते हैं फिर हम घर जाते हैं, घर में हमारी फैमिली है, उसका हमें ख्याल रखना है पहले कि मेरी वजह से फैमिली मत परेशान हो जाएगी मेरी। मास्क पहन के निकलो, और जहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए भीड़ में मत जाओ, अपने आप को सेफ रखो, 2-3 फुट का फासला रखो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस बीमारी को उठाएगा, इंशाल्लाह जल्दी नेस्त नाबूद करेगा। ये बहुत वायरस, बहुत ख़तरनाक वायरस है। मैंने आज तक 110 डेड बॉडी उठाए हैं जो पॉजिटिव थे, और मैंने इतने पॉजिटिव पेशेंट श्रीनगर लिए हैं कम से कम 2000 से ज़्यादा, कम से कम। मेरी मैसेज है लोग मास्क पहने और डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज यूज़ करें। जब तक ये रहेगा, जब तक मेरे में दम है, इंशाल्लाह मैं ये काम करूँगा, दिल से करूँगा।